देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, और उससे भी बड़ी समस्या है कि गाड़ी को आखिर किधर पार्क करें। और हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग जोन को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए हैं। तो ऐसे में अगर किसी की गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी नजर आती है, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस वाले उससे अच्छा खासा चालान वसूल करते हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक जोमेटो की महिला की दो पहिया वाहन को ट्रैफिक पुलिसकर्मी उठाकर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में महिला क्या करती, आखिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी, वो भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को। इतनी सारी गालियां सुनने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस महिला से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने किसी की एक ना सुनी, और देखते ही देखते लोगों का आसपास जमावड़ा सा लग गया। ऐसे में आप भी देखिए इस वीडियो में कैसे जोमेटो में काम करने वाली महिला ने अपना आपा खो दिया है। लेडीज आहे सोडून दे मला, मी तुला काही बोलत नाही, मी लेडीज आहे म्हणून जाऊ दे बोलतोय। शिव्या देऊ नको, मॅडम ना बोलवा, सोड प्रियंका, हो दादा शिव्या देऊ नको, सॉरी। तो देखा आपने कैसे इस महिला ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गालियां दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो महिला अपनी टू व्हीलर गाड़ी के पास ही में खड़ी थी? अगर पास ही में खड़ी थी तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी उसकी गाड़ी आकर क्यों टो कर ले जाने लगे? फिलहाल इस मामले को लोकल पुलिस स्टेशन में आसपास के लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से पुलिस इस पर एक्शन लेती है। इस तरह खबर जाने के सब्सक्राइब कीजिए मुंबई प्रेस को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।